आज 19वीं रमज़ान को हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सुबह फजर की नमाज जब आप अदा कर रहे थे मस्जिद-ए-कूफा में, तो आपके सर पर ज़रबत लगाई गई और आपकी शहादत वाक़ हुई। दो दिन आप इसी तकलीफ़ में मुब्तला रहे। 21 रमज़ान की सुबह फजर के वक्त आप इस दुनिया से रुख्सत हुए। उसी की याद में ये 19 रमज़ान को तमाम मौला अली के चाहने वाले उसकी ये शबि निकालते हैं, जब आपको मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की हालत में सजदे में आप सर रखे थे, तो इब्ने मुलजिम मलून ने पीछे से आपके ऊपर तलवार लगाई। उसके बाद आपके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको गिलीम में, यानी कंबल जो आप देख रहे हैं कि जो शबि है ये कंबल है, गिलीम जिसको कहते हैं, कि गिलीम में रख के आपको घर लाया गया। और जो चाहने वाले थे, दोस्त थे, अहबाब थे, गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे, उसी की याद में ये तमाम दुनिया में आज मौला अली की शहादत के ऊपर गम मनाया जा रहा है और ये उसकी याद मनाई जा रही है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमेशा जीत मज़लूम की होती है, ज़ालिम की नहीं होती है। ये जो दहशतगर्दी 1400 साल से चल रही है वो आज की बात नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले जब रसूल की आग बंद हुई उसके बाद से ये दहशतगर्दी चली। इस्लाम में कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाया, दहशतगर्दी फैलाई और रसूल के नवासे को करबला में शहीद किया, रसूल के भाई को मस्जिद-ए-कूफा में शहीद किया। ये उसी की याद है, ये अमन का पैगाम है कि हम मज़लूम के साथी हैं, ज़ालिम के साथी नहीं।